हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पता है, मैं ना 2-3 दिन से हम लोग यही काम कर रहे हैं, मतलब बैलगाड़ी में जो हम पैरा बचा हुआ उसे ढो रहे हैं। तो यहाँ पास ना बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यास लगती थी, तो मैंने ना पानी पी लिया है। सुबह सुबह का टाइम है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये देखिए, हमने ना भर लिया, इसके बाद ही मैं बैठी थी, और साथ साथ में मैं ना और पपीता भी तोड़ूंगी, क्योंकि उसे भी खाना पका हुआ है। वो आप लोग को यहाँ पर इसके बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है, मैंने पहले पैरा को जो है अपने बैलगाड़ी में भर लेना करने वाले लोगों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं ना पपीता यहाँ पास बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उसे ना मैं तोड़ने की कोशिश करूँगी। देखते हैं तोड़ पाती हूँ कि नहीं तोड़ पाती। तो पहले मुझे ना एक लकड़ी लेना होगा, लकड़ी मैंने ले लिया है। उसके बाद उसमें पतले पतले जो उसके लकड़ी हैं उसको तोड़ लेती हूँ। उसके बाद जो है मुझे पपीता को जो पके हुए हैं ना, तो उसे तोड़ना है और हमें खाना है। उसके बाद जो है हम घर घर चले जाएंगे। ये जो है मेन रोड के पास हम आए हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ पर पहुँच नहीं रहा है, लेकिन टूट जाएगा। तो देखिए टूट गया, गिर गया ज़मीन में। तो मैं ना उसे तोड़ करके हम जो है इसे अभी काट करके खाएंगे। और यहाँ पर जो है नीचे मैं रस्सी बांध रही हूँ, और पता है मैं ना आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो बहुत अच्छे से बनी थी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पास देखिए, मैंने मटर ले लिया है और गोभी मैंने एक लिया है, और 5-6 आलू लिए हैं बड़े वाले, और मोटे मोटे मैंने काटे हैं। और फिर ना ये वाली सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी बनी थी, तो और उसके लिए मसाले तैयार कर लेने हमने। यहाँ पर मैंने सौंफ लिया 1 चम्मच के आसपास, और 1 चम्मच ही मैंने जीरा लिया है। और ये आपको पता है गरम मसाले में कौन कौन सी चीज़ पड़ते हैं, दालचीनी वगैरह। तो मैं ना लहसुन की पत्ती हरी हरी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने ना ये सबको ना पीसूँगी। तो यहाँ पास अदरक लहसुन हरी मिर्ची लहसुन की पत्तियाँ हैं, और फिर ये देखिए मैंने बड़े बड़े से टमाटर लिए हैं 5-6, तो ये सबको मैंने काट लिया। सर्दियों के मौसम में जो है ना ये खिलन जाते हैं, और प्याज भी ले लिया है। ये मसाले को जो है मैं ना गैस ऑन करके हल्का हल्का सा कच्चा पनीर जाने के लिए मैं भून लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे पीसना होगा, तो इसे इसे भूनना है, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो बस ये हो गया तैयार। उसके बाद जो है हमें ये देखिए जीरे में जो पीस रहा हूँ, मैंने एक थाली में रख लिया। फिर एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर रिफाइन ऑयल लिया 1 बड़े चम्मच के आसपास। फिर इसमें जो भी आलू देखे ना मैंने उसे किया, इसी में थोड़ा थोड़ा सा पकने देना है, बस पसंद से पकाना मुझे। तो उसके बाद जो है मुझे फ्राई करना होगा। तो ये देखिए जो पेस्ट मैंने मेरा तैयार हो चुका है, यहाँ पर देखिए पीस लिया है मैंने पूरे लहसुन पत्ती अदरक वगैरह जो भी थे हरी मिर्ची, वो सबको मैंने पीस करके पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो है पक चुका है हमारा आलू और गोभी। तो इसे हम कर लेंगे अलग एक बर्तन में। फिर ना हम इसमें और थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 चम्मच के आसपास, तो क्योंकि ऑयल काफ़ी है ना, तो आलू गोभी में इसलिए। तो ये हो गया है ऑयल गर्म। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये तेज पत्ती, उसके बाद राई डालूंगी और हींग। राई और हींग डाल दिया है मैंने, इसे हम भून लेते हैं। उसके बाद ना मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े 2 मिर्ची डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे डालने हैं प्याज, जो मैंने काट के रखे हुए 2 प्याज थे वो दोनों को मैंने काट लिया था। और ये देखिए मैंने ना इसे भून लेना है, इस तरह से भून करके जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे इसमें मटर के दाने जो है हरे हरे इस टाइम मिलते हैं, बाकी टाइम तो देख रहे तरफ जा रहा है ना। तो ये देखिए मैंने ना मटर के दाने को हल्का सा भून लिया, और जो मसाले मैंने तैयार कर रखे थे उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए सबको ना थोड़ा थोड़ा भूनना है, जब तक कि इसमें का जो पानी है ना सूख न जाए तब तक हमें भूनना होगा इसे। तो यहाँ पास हम सबसे पहले मिक्स करके इसे भून लेते हैं, उसके बाद ही हम इसे और चीज़ मिलाएंगे। जिसे यहाँ पास मैंने हल्दी डाल दिया है,
और फिर सबको मिलाना है मुझे और भुनना भी होगा। तो फिर उसके बाद हमें इसे मिलाना होगा, धनिया पाउडर वगैरह जो भी है वो हमें डालना होगा। तो यहाँ पास हम डाल देते हैं टमाटर जो हमने काट करके रखा हुआ था, उसे हमने भून लिया है। देखिए भून चुका है ये हमारा टमाटर। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक अपने हिसाब से। नमक हमने डाल दिया है और इसे भी हमें मिक्स करना होगा ताकि इसमें जो पचा हुआ पानी हो वो जा। धनिया पाउडर भी हमने डाल दिया। उसके बाद फिर हम इस सबको मिक्स करके फिर से भूनेंगे। तो हमारा सब्ज़ी अब रेडी होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी अब पकने ही वाली है, आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो देखिए ये इसमें हमने डाल दिया है धनिया का पाउडर। धनिया के पाउडर तो पड़ने हैं सब्ज़ियों में, है ना। उसके बाद हम डाल देते हैं आलू गोभी जो भी हमने पका लिया था ना, उसे फिर हमें डालना होगा। फिर ना हमें इन्हें भी मिक्स करके फिर पकाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आलू गोभी पक चुके हैं। तो बस मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा पकने देना है 5 मिनट। उसके बाद हमें इसमें पानी डालना होगा। तो अभी जो है हम इसे थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद हम इसमें 1 गिलास देखिए मैंने पानी डाल दिया है बस। उसके बाद हम इसे पकने देंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला पकने के लिए। तो यहाँ पास देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है और हमने अलग बर्तन में रख लिया है। और यहाँ पास हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, देखिए कैसी लग रही है, बहुत अच्छी बनी थी वाली सब्ज़ी। तो धन्यवाद आप लोग का और बहुत बहुत